सो दिस इज हाउ इट गोस कौन सा डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज कॉन्फिगुरेशन क्या आ जाएगा एस एस कॉन्फिगुरेशन और जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो डैश लाइन पे है तो कॉन्फिगुरेशन चेंज नहीं होगा सो ये जो आर एन एस ये जो निकाला है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं एप्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन एप्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन सो एग्जैक्टली एप्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन क्या है द दिसाइज प्रिसाइज अरेन्जमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सब्सटीट्यूएंट ऑन अ स्टीरियोजेनिक सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर इज कॉल्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन क्लियर द प्रिसाइज अरेन्जमेंट प्रॉपरली अरेज किया है और उसका कॉन्फिग्रेशन निकाला है उस कॉन्फिग्रेशन को बोलेंगे एप्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन तो सर ये रिलेटिव कॉन्फिगुरेशन का मतलब क्या है उसके पहले एपसोलूट कॉन्फिगरे कैसा निकालते हैं कोई कोई भी अगर आपको मैंने वायल में में या टेस्ट ट्यूब कंपाउंड दिया दिया है लेट्स से प्रोफेन दे सो हाउ डू यू नो दैट इज आर कॉन्फिग्रेशन की एस कॉन्फिग्रेशन राइट सो उसके लिए टेक्निक्स uh, होते हैं मशीन होते हैं जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड हो गया एक्सरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हो गए सो so इससे आप आर एस कॉन्फिगुरेशन निकाल सकते हो विलेटिव कॉन्फिग्रेशन ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट इज चेंज अदर अदर थ्री सब्सटीट्यूएंट रिमेन सेम कहने का मतलब क्या है अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल को देखो तो इस कार्बन के पास सी एच थ्री है एच है ओ एच है, OH है. क्या सिर्फ चेंज किया हमने सी टू एच फाइव सी एल तो एक ही बॉन्ड पे मॉलिक्यूल्स uh, या सब्सिट्यूएंट अलग अलग हुए बाकी तीनों सेम है राइट right? तो इनका रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन सेम है बात समझ में आ रही है इनका रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन तो सेम है क्योंकि तीन ग्रुप सेम है सिर्फ एक अलग है तो यहां पे एप्सोलूट कॉन्फिग्रेशन सेम है क्या नहीं absolute configuration क्या है इसका आर है और इसका एस है तो यहां पे बट डिफरेंट डिफरेंट एप्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन बात रही है सो रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन हो सकता है सेम हो बट एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन सेम हो ये ज़रूरी नहीं है तो ऐसा एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें मुझे एक्सप्लेन करना था कि सेम आर सी होगा तो सेम ए सी नहीं होगा हो सकता है ए सी डिफरेंट हो सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट आर एस कॉन्फिग्रेशन